हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चूहे पकड़कर कमाई करके अपने घर का गुजारा करने वाला एक शख्स जो कि अब बन गया ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, जिसके सामने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। जो वे चाहता है वही करता है और किसी से नहीं डरता है। आप खुद ही समझ गए होंगे मैं किस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। वे शख्स है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आप मेरी वीडियो को देखते हैं या आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेड कलर का इस तरह का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। साथ में आप बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देखेंगे। और इस काम को करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। व्लादिमीर पुतिन, जिसने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है, पूरी दुनिया में संकट भी पैदा कर दिया है, बहुत तेज दिमाग रखने वाले, अपने शरीर से लगातार मेहनत करने वाले, मास्टर आर्ट और जूडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त किए हुए रिंग के भी सुल्तान है, घुड़सवारी भी करते हैं, शेर का शिकार भी करते हैं, जंगी जहाज चलाने वाला पायलट, सेना का टैंक चलाने वाला सैनिक, सटीक निशाना लगाने वाला निशानेबाज, तेज स्पीड से कार चलाकर हवा से बात करने वाला रेसर, तेज बाइक चलाने वाला नौजवान जिसकी सोच इतनी शातिर है कि दुनिया के लोग जितना सोचते हैं उनसे बहुत आगे बढ़कर वे करते हैं और दुनिया के लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है मैं रहने वाले साधारण परिवार के एक व्यक्ति व्लादिमीर स्प्री डोनाविच पुतिन और साधारण महिला मारिया इवार नोबना के घर में 7 अक्टूबर 1952 में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम माता पिता ने व्लादिमीर पुतिन रखा, जो कि बचपन से ही बहुत मेहनती था। व्लादिमीर पुतिन के बाप सोवियत संघ की एक सेना में थे और माँ कारखाने में मजदूरी करती थी। घर में ज्यादा कमाई नहीं हुआ करती थी। उस समय रूस में चूहे पकड़ने वालों को सरकार पैसे देती थी। व्लादिमीर पुतिन चूहा पकड़ा करते थे जिससे कुछ कमाई हो जाती थी। व्लादिमीर पुतिन के पिता के 3 बच्चे थे। व्लादिमीर पुतिन अपने माँ बाप के सबसे छोटे बेटे थे। उनके दादा स्प्रीडोन पुतिन, जिनकी पैदाइश 1911 में हुई थी और वो 1999 में मरे थे, जो कि व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टेलिन के निजी रसोइया थे। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ में फाउंडिंग राजनेता थे और जोसेफ स्टेलिन एक सोवियत मिलिट्री में थे और राजनेता भी थे। व्लादिमीर पुतिन के 2 भाई थे जो कि 1930 के दशक में पैदा हुए थे। एक थे विक्टर और दूसरे अल्वर्ड थे। अल्वर्ड की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी, जबकि दूसरे भाई विक्टर की मृत्यु सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की सेना द्वारा लेनिनग्राद की घेराबंदी के दौरान डिप्थीरिया से हुई। व्लादिमीर पुतिन की नानी की 1941 में टेवर क्षेत्र के जर्मन कब्जेदारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनके मामा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर गायब हो गए थे। अगर हम बात करें पुतिन के धर्म की तो वे बहुत कट्टरवादी यानी ऑर्थोडॉक्स हैं। उनकी माँ ईसाई धर्म को मानने वाली महिला थी जो कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाती थी, जबकि उनके पिता एथीट यानी नास्तिक थे। हालांकि उन्होंने घर में कोई धार्मिक चीजें या निशान नहीं रखे थे। उस समय उनके धर्म के लोगों पर सरकारी अत्याचार किया जाता था और उत्पीड़न की जाती थी। उसके बावजूद उनकी माँ नियमित रूप से चर्च जाती थी। उनकी माँ ने अपने बच्चों को धार्मिक दीक्षा यानी बैप्टाइज दी। उनकी माँ ने उनको क्रॉस दिया था जो कि आज भी वे गले में पहनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पुतिन के स्कूल और उनकी एजुकेशन के बारे में। 1 सितंबर 1960 को पुतिन ने अपने स्कूल की शुरुआत अपने घर के ही करीब एक स्कूल बास्कोव लेन में
स्कूल नंबर 193 से की। वे लगभग 45 स्टूडेंट्स की कक्षा में उन कुछ में से थे जो यंग पोनियर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं थे। यंग पायनियर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोवियत संघ में व्लादिमीर लेनिन ऑल यूनियन पायनियर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा युवा विंग था। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही इंटेलिजेंट और बहुत एक्टिव हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने जूडो और शैम्बो का अभ्यास शुरू कर दिया था। उनको किताबें पढ़ने का भी शौक है। जब भी उनको समय मिलता था वे कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिच एंजल और लेनिन पर बहुत शौक से पढ़ते थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल नंबर 281 में जर्मनी भाषा में पढ़े। वे जर्मनी भाषा को दूसरी भाषा के तौर पर बोलते थे। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही वैश्विक राजनीति और फौजी संघर्षों में दिलचस्पी रखते थे। जिस उम्र में लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने एक जासूस बनने के सपने सजोए और जासूस बनने की चाहत लिए हुए खुफिया विभाग के ऑफिस गए। वहां उनसे किसी ने बात नहीं की। उनके मन में मायूसी हुई और तभी वहां पर एक महिला कर्मचारी ने उनको देखा और उनसे बात की। उन्होंने उनसे कहा कि खुफिया विभाग में काम करने के लिए कानून की पढ़ाई पढ़ने पड़ती है। उनको अब खुफिया विभाग में काम करने का जुनून सवार हो गया और 1970 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की, जिसका नाम एंड्री जेडानोव था और जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, और 1975 में ग्रेजुएशन पूरी की। उनकी थीसिस द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेडिंग प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ पर थी, इसलिए उनको सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना पड़ा। वे जब तक इसमें शामिल रहे जब तक अगस्त 1991 में उसको गैरकानूनी घोषित किया गया, जब तक वे अस्तित्व में रहा। कानून की पढ़ाई पूरी होने के बाद पुतिन ने सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB ज्वाइन करने की प्रक्रिया अपने दिमाग में चल रहे जुनून के साथ शुरू कर दी और वे इसमें सफल रहे। 1975 में उन्होंने KGB ज्वाइन कर ली। अब व्लादिमीर पुतिन का सफर एक जासूस से राष्ट्रपति तक शुरू होता है। KGB ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जासूस बनने की ट्रेनिंग ओक्टा लेनिन ग्रांड में 401वें KGB स्कूल में ली। ट्रेनिंग में उनको वातावरण के अनुसार रहना, किस परिस्थितियों में किस तरह चेहरे का इम्प्रेशन होना चाहिए, हर तरह के नए नए हथियार चलाना, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि खाना नहीं है तो कैसे जिंदा रहना है, हर परिस्थिति में काम करने की ट्रेनिंग दी गई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेकंड चीफ डायरेक्टोरेट काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया। वह लेनिन गार्ड में विदेशियों और कॉन्सुलेट अधिकारियों पर निगरानी करते थे। फिर उनके मेहनती कार्य को करने पर उनको फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट बनाया गया। पुतिन को फिर दोबारा 1985 से 1990 तक यूरी एड्रोवेब रेड बैनर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने पूर्वी जर्मन के ड्रेसडेन में कवर एजेंट के रूप में काम किया। उस समय उनके कैरियर का ये समय स्पष्ट नहीं था। पुतिन रशिया भाषा के बाद जर्मनी भाषा को अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह बोलते हैं। एक बार की घटना है, जब वे जर्मन में थे तो जर्मन के लोग बहुत अधिक तादाद में रशियन एम्बेसी के आसपास आ गए और रशिया का विरोध करने लगे। ये जर्मन लोग बहुत गुस्से में थे, कुछ भी कर सकते थे, वे सभी को मारना चाहते थे। वहीं रशियन एम्बेसी के अंदर सभी लोग परेशान थे, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी, सभी लोग डरे हुए परेशान थे, पुतिन भी अंदर थे। तभी पुतिन किसी तरह छिप छिपा कर बाहर आए और जर्मनी लोगों के साथ मिल गए। भीड़ में वे सबसे आगे आ गए और उन लोगों से उन्होंने कहा कि अंदर बहुत आधुनिक हथियार हैं, अगर हम लोगों ने कुछ किया तो अंदर से भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल ये कर देंगे और हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उनको जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरह बोलना आती है। वे भीड़ में जर्मन भाषा में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। वहाँ खड़े लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया कि अगर वहाँ से कुछ किया तो अंदर से भी हथियारों का प्रयोग होगा और वे मारे जाएंगे, इसलिए वे सभी लोग वहाँ से चले गए। 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने ल्यूडमिला स्क्रिपनेवा से शादी की। वह पूर्वी जर्मन में
1985 से 1990 तक साथ साथ रहे। इन दोनों से दो बेटियां पैदा हुई, मारिया पुतिना और एकाटेरिना पुतिना। मारिया पुतिना का जन्म 28 अप्रैल 1985 को लेनिनग्राड में हुआ और दूसरी बेटी एकाटेरिना पुतिना का जन्म 13 अगस्त 1986 में ड्रेसडेन में हुआ, जो कि ईस्ट जर्मनी में है। वहीं प्रीक्ट पब्लिशर ने आरोप लगाया कि पुतिन के साथ स्वेटलाना किरिलोवा की एक बेटी भी है जिसका नाम एलिजाबेटा है, जिसको लुइजा रोजवा भी कहते हैं, जो कि मार्च 2008 में पैदा हुई थी। अप्रैल 2008 में मॉस्कोवस्की के संवाददाता ने बताया कि पुतिन ने ल्यूडमिला को तलाक दे दिया था और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पूर्व रिथमिक जिमनास्ट व रूसी राजनीतिक एलिना कबीबा से शादी करने में लगे हुए हैं। इस स्टोरी का खंडन किया गया और इसके तुरंत बाद इस अखबार को भी बंद कर दिया गया। इस संबंध में अटकलों का बाजार बहुत गर्म रहता था। निराधार रिपोर्ट आती रहती थी कि पुतिन और कबीबा के कई बच्चे हैं। इन सभी खबरों का खंडन किया गया था। वहीं पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला पति पत्नी के रूप में सार्वजनिक तौर पर सामने आते रहे, इससे उन खबरों पर विश्वास कम होता गया। 6 जून 2013 को पुतिन और ल्यूडमिला ने घोषणा की कि उनकी शादी खत्म हो गई है। 1 अप्रैल 2014 को क्रेमलिन ने पुष्टि की, तलाक को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2015 में कबीबा ने कथित तौर पर एक बेटी को जन्म दिया जिसका पिता पुतिन को माना जाता है। 2019 में कबीबा ने कथित तौर पर पुतिन द्वारा जुड़वा बेटों को जन्म दिया। कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद पुतिन को सक्रिय केजीबी सेवा से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ड्रेसडेन और इससे पहले के प्रदर्शनों के दौरान उनकी वफादारी के बारे में शक पैदा हुआ था और फिर वे वापस आ गए। 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया। वे लेनिनग्राद लौट आए, जहां उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर सेक्शन में लगभग 3 महीने काम किया। अपने डॉक्टरेट शोध पर काम करते हुए वाइस रेक्टर यूरी मोल्चनोव को रिपोर्ट किया। वहां उन्होंने नए केजीबी रिक्रूट की तलाश की, छात्र संघ को देखा और अपने पूर्व प्रोफेसर अनातोली सोबचक के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा गहरा किया, जो कि मेयर बनने वाले थे। मई 2090 में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर अनातोली सोबचक के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार के रूप में पुतिन को नियुक्त किया गया। 28 जुलाई 1991 को वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और व्यावसायिक उपक्रमों को रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी के साथ मेयर कार्यालय के बाहरी संबंधों की समिति का प्रमुख बनाया। विभाग में घोटालों के आरोप के चलते पुतिन को निकाल दिया। 1996 तक विदेश संबंधों की समिति के प्रमुख बने रहे। मार्च 1994 में पुतिन को पीटर्सबर्ग सरकार के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री विक्टर चेर्नोमोनीडिन द्वारा स्थापित सरकार समर्थित राजनीतिक पार्टी अबर होम रशिया का पीटरसन शाखा को स्थापित किया और 1995 में उन्होंने उस पार्टी के लिए लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंपेन का प्रबंधन किया। वे सेंट पीटर्सबर्ग ब्रांच के लीडर रहे। जून 1996 में सोबचक सेंट पीटर्सबर्ग में चुनाव हार गए और पुतिन, जिन्होंने चुनाव अभियान का नेतृत्व किया, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वे मास्को चले गए और उन्हें पावेल बोरोलिन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन विभाग का उप प्रमुख बनाया गया। 26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिन ने पुतिन को राष्ट्रपति स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया। अब 9 अगस्त 1999 को पुतिन का राजनीतिक सफर शुरू होता है। उनको राष्ट्रपति एल्दसिन द्वारा पुतिन को 3 उप प्रधानमंत्रियों में से 1 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उसी दिन कारबाग प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति एल्दसिन ने घोषणा की कि वे पुतिन को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। इस पर पुतिन सहमत भी हो गए। 16 अगस्त 1999 को स्टेट ड्यूमा यानी वाग की असेंबली ने 233 वोटों के साथ
उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दी, जबकि 84 वोट उनके विरोध में पड़े। उनको मंजूरी के लिए 226 की जरूरत थी। 31 दिसंबर 1999 में राष्ट्रपति एल्देसिन ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया और रूस के संविधान के हिसाब से पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। एल्देसिन के इस्तीफे के परिणाम स्वरूप 26 मार्च 2000 में चुनाव हुए। उन्होंने पहले ही दौर में जीत हासिल की और बन गए रशिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट। पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की परीक्षा की घड़ी 23 अक्टूबर 2002 में आई, जब हथियारबंद चेचन्य विद्रोहियों ने एक भीड़ भाड़ वाले थिएटर में घुसकर लोगों को बंदी बना लिया। ये हथियारबंद 40 से 50 लोग थे। इन्होंने लगभग 850 लोगों को बंदी बना लिया था। चेचन्य विद्रोही मांग कर रहे थे कि चेचन्य में रशियन फोर्स को हटाया जाए। तभी पुतिन ने अपनी हार नहीं मानी और बंदी बनाए लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिया। वहां पर स्पेशल फोर्स भेजा गया। थिएटर की बिल्डिंग के वेंटिलेटर्स के थ्रो जहरीले गैस को पंप के जरिए छोड़ा गया, जिससे सभी चेचन्य विद्रोही मारे गए और 130 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 9 विदेशी लोग भी मारे गए। ये घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर होस्टेज क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। इस जहरीले गैस का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। कई देशों ने इस ऑपरेशन को सही ठहराया तो कई देशों ने इस ऑपरेशन की निंदा की। इस घटना के बाद रूसी प्रेस के लोग और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये मानती थी कि इस ऑपरेशन के चलाने से 130 लोगों की मृत्यु हुई। लोग नाराज हैं और उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। उसके कुछ दिनों के बाद सर्वे में उनको 83% लोगों ने उसके इस ऑपरेशन से सहमति जताई। इसके बाद 14 मार्च 2004 को पुतिन को दोबारा राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके दूसरे टर्म के लिए उनको मिलते हैं 71% वोट और 2008 तक राष्ट्रपति बने। रशिया के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए वे राष्ट्रपति नहीं बने। उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी प्रथम उप प्रधानमंत्री डिमिट्री मेडवेडेव को राष्ट्रपति चुना गया। डिमिट्री मेडवेडेव को राष्ट्रपति पद सौंपने के एक दिन के बाद यानी 8 मई 2008 को पावर स्विचिंग ऑपरेशन में पुतिन को राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखते हुए रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 24 सितंबर 2011 को राष्ट्रपति डिमिट्री मेडवेडेव ने यूनाइटेड रशिया पार्टी कांग्रेस में बोलते हुए घोषणा की कि वे पार्टी को पुतिन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट करेंगे। फिर होते हैं 2012 में रूस में इलेक्शन। वोटों में हेराफेरी के व्यापक आरोपों के बावजूद 4 मार्च 2012 को 63% वोटों के साथ पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और तब से अभी तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। पुतिन ने वे सभी कानून बदल दिए जो उनको राष्ट्रपति बनने से रोक रहे थे, उनको अड़चन डाल रहे थे। पुतिन 1999 से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, चाहे वे राष्ट्रपति के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में या उप प्रधानमंत्री के रूप में हो, वे लंबे समय से यानी 23 सालों से सत्ता पर बने हुए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो कि पश्चिम के नेताओं के लिए ये सपना हो सकती है। रूस की मीडिया में पुतिन छाए रहते हैं, उनके पक्ष की खबरें हमेशा दिखाई जाती हैं और छापी जाती हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इतने लंबे अरसे से सत्ता में रहने के बावजूद पुतिन की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी संपत्ति की तो कहा जाता है कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी संपत्तियों को छिपाया जाता है। हालांकि 2007 के चुनाव में उन्होंने जारी की गई आधिकारिक डॉक्यूमेंट में संपत्ति में लगभग 3.7 रूबल यानी 2,80,000 डॉलर बैंक खाते में, सेंट पीटर्सबर्ग में 77.4 वर्ग मीटर का एक निजी अपार्टमेंट, पुतिन के कई महंगी कारें, घड़ियां, पहने हुए फोटो खिंचवाए गए,
जिनकी कीमत लगभग 7 लाख डॉलर है। रूसी विपक्षी नेताओं और पत्रकारों का कहना है कि रशियन कंपनियों में गुप्त रूप से पुतिन की अरबों डॉलर की हिस्सेदारियां हैं। द वाशिंगटन पोस्ट के एक संपादक के अनुसार वे 43 विमानों के मालिक हैं, पर तकनीकी रूप से दिखते नहीं हैं। कहा जाता है कि उनके पास 20 बंगले और महल हैं। उनका घर बन रहा है जिसकी कीमत 750 मिलियन डॉलर है। उनको बड़ी बड़ी कारें रखने का भी बहुत शौक है। उनके पास 700 बड़ी लग्जरी कारें हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी हैं। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो की नॉलेज उनको भी मिले। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी एंड आल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन।